बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से मलाई रोल। हमने आधा किलो दूध लिया है। हम दूध से रबड़ी बनाएंगे। पहले हमने गैस ऑन कर लिया है। जब हमारी इसमें उकाल आ जाएगी तो हम इसमें आधी प्याली शक्कर डाल देंगे, यानी 50 ग्राम ये शक्कर लिए हमने, ये हम इसमें डाल देंगे। हमारे दूध में उकाल आ गई है। अब हम इसमें ये शक्कर ऐड कर देंगे और ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हमने, नट्स, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और ये केसर और फ्रूट कलर दोनों है, हम इनको दोनों को इसमें ऐड कर देंगे जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। अगर इसका कलर आपको हल्का लगे तो आप इसमें फ्रूट कलर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे 15-20 मिनट तक। इसको रबड़ी बनाने के लिए ऐसे ही रखेंगे हम। ये हमारे बन रही है। अब हम जितने ये हमारी रबड़ी बन रही है, हमें रबड़ी बनाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको 5-10 मिनट और पकाएंगे जिससे ये गाढ़ी हो जाएगी। जितने दूध हमने लिया है उससे ज़्यादा हो गया है। हम मिल्क पाउडर से खोया बनाएंगे। हमारे पास मिल्क पाउडर है, हम उससे खोया बनाएंगे। अगर आपके पास पहले से खोया है, मावा है, तो आप वो ही काम में ले सकते हैं। हम इसमें मिल्क पाउडर से खोया बनाएंगे। अगर आपके पास पहले से खोया है तो आप वो ले सकते हैं। हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। ये हमने इसमें 1 चम्मच घी लिया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच दूध डालेंगे। अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर डालेंगे। हमने आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिए। ये हमारा खोया बनके तैयार हो गया है। हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने ये ब्रेड लिए, इसको हम हल्का हल्का इस पर बेलन फेर देंगे। अगर आपके पास 2 दिन पुरानी ब्रेड है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। हम इसको हल्के हल्के हाथों से लगाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाने हम इसको। हम सारे ब्रेड को ऐसे कर लेंगे। अब हम इसको ये यहाँ से इसके ये चारों नुक्कड़ काट लेंगे। अब हम इस ब्रेड में ये खोया लगाएंगे और इसको रोल बना देंगे और इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये हमने सारे रोल बना लिए। अब हम इसके ऊपर रबड़ी को डालेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए हमारी मलाई रोल कितने अच्छे बने।